नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के मसूरी कांडा होकरा नामिक मोटरमार्ग में जिलाधिकारी रीना जोशी व पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार मार्ग में बैरियर लगा दिया गया है, जहां ड्यूटी पर जवान की तैनाती की गई है। बता दें कि एक सप्ताह के भीतर होकरा मार्ग में FCI गोदाम के निकट दो सड़क हादसों में 12 लोग काल के ग्रास बन गए। दोनों वाहनों के खाई में गिरने से परखच्चे उड़ गए और बीते 22 जून को हुए हादसे में वाहन में सवार 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बीते दिवस हुए हादसे में एक महिला सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बीते दिनों PMGSY द्वारा बोर्ड मार्ग में लगाया गया, पर बोर्ड केवल सोपी साबित हुआ। मार्ग में आवागमन चलता रहा। हादसों को देखते हुए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार निर्माणदायी संस्था के कर्मचारियों और आवश्यकी सरकारी वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों की मार्ग में आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। अवैध खोखरी के साथ पुलिस ने एक सातिर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस उप महानिरीक्षक दिलीप सिंह कुंवर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जिले में अवैध शस्त्र रखने, तस्करी एवं बिक्री करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत डालनवाला प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान DAV कॉलेज खेल मैदान के निकट से एक आरोपी सोहेल निवासी लोहिया नगर देहरादून उम्र 20 वर्ष को एक अवैध कुकरी के साथ गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल मनोज कुमार यादव व कांस्टेबल सुंदरलाल शामिल थे। पिथौरागढ़ में आज कोरोना काल में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे गए कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के निकट प्रदर्शन कर विभाग में समायोजन किए जाने की मांग की। कर्मियों ने शीघ्र मांग को लेकर सकारात्मक कार्रवाई न होने पर आगामी 5 जुलाई से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में दर्जनों कर्मी शामिल थे। हमारी मांग ये थी कि स्वास्थ्य मंत्री ने हमसे कह रखा है, 10 दिन का हमने समय दिया है, 5 तारीख तक हम आपको रिक्त पदों में समायोजित कर देंगे। कल हम ये अल्टीमेटम देखने को आए हैं कि 5 तारीख तक अगर रिक्त पदों में समायोजित कर देते हैं स्वास्थ्य मंत्री तो ठीक है, अन्यथा हम उग्र आंदोलन और अनशन के लिए तैयार होंगे। समस्त जितने जिले हैं उत्तराखंड में देहरादून में एकत्रित हो जाएंगे। पिथौरागढ़ नगर में बीती रात मजदूरी की वृद्धि के पोस्टर लगाए जाने से नगरवासियों में खासी नाराजगी व्याप्त है, जिसको लेकर नगरवासियों ने इस तरह से मजदूरी बढ़ाए जाने वाले पोस्टरों को चस्पा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। नगर में लगाए गए पोस्टरों में लेबर की मजदूरी 900 रुपये, मिस्त्री की मजदूरी 1200 रुपये, कारपेंटर 1400 रुपये और पेंटर की मजदूरी 1000 रुपये अंकित की गई है, जिसको लेकर लोगों ने खासा आक्रोश व्याप्त है। पोस्टर लगाए जाने के मामले को लेकर सभासद अनिल जोशी हनुमान के नेतृत्व में अन्य सभासदों सहित अन्य लोगों ने नगर पालिका शासी अधिकारी राजदेव जायसी से भेंट कर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने व पूर्व निर्धारित मजदूरी को ही जारी रखे जाने की मांग की है। उन्होंने मांग पर गौर न करने पर नगरवासियों को साथ लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इधर ईओ ने मामले को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने और पोस्टर लगाने वालों को नोटिस जारी करने की बात कही है। पालिका अध्यक्ष राजे नावत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आज जो शहर में कुछ समितियों द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं कि मजदूरी तय की गई, मेरा कहना है कि मजदूरी तय करने का अधिकार उनको नहीं है और न ही वो कोई रजिस्टर्ड संस्था है, और उनके खिलाफ नगर पालिका के द्वारा एक नोटिस दिया जा रहा है। तो इस तरह की भ्रांति जनता में न डालें और जनता को जो सरकार द्वारा जो रेट तय है उनके अनुसार या तय करने की अथॉरिटी के अनुसार मिल बैठ कर रेट तय होते हैं, और इस तरह से जनता में भ्रम, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको तुरंत नोटिस दिया जा रहा है। और जनता से भी अनुरोध है कि जो मजदूरी पहले तय की गई उसी मजदूरी के आधार पर काम करवाएं, और जहां तक हमारे आगे सभी नागरिकों से, सभी समस्त जो निर्माण मकानों का निर्माण कर रहे हैं ठेकेदार हैं उनसे भी अनुरोध है कि ठीक है, हम लोगों को अगर मजदूरी तय करनी है तो वो नगर पालिका का भी सहयोग करें। जरूरी नहीं कि हमारा कोई काम 10 दिन बाद होगा, वो जरूरी नहीं कि मैंने आज ही काम करवाने हैं। तो इसलिए अगर एक रेट है 500 और 700 रुपये के जो रेट तय हैं उससे ज़्यादा कोई न दें, और अगर ज़्यादा कोई मांगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अगर हमारे पास इस तरह की शिकायत आएंगी तो हम करने के लिए तत्पर रहेंगे। और जिस तरह की प्लेन्स में जो मजदूरी है
ठीक है, उससे 50-100 रुपये पहाड़े में जरा कठिनाइयाँ हैं और अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं तो ले सकता है, लेकिन ये एक थोड़ी की लूट खसोट यहाँ पर चलेगी। और कोई इस तरह के गैर रजिस्टर्ड संस्था का कोई स्वयंभू नेता आकर इस तरह की बातें करेगा तो जो हमारे लिए हित नहीं है, और उनको भी चेतावनी दे रहा हूँ कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न करें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और जनता में गलत संदेश जो दे रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य होंगे। इसलिए उनसे भी यह है कि वो अपने जो भी पोस्टर लगाए तुरंत उनको हटा लें, नहीं तो अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पिथौरागढ़ जिले में बीते 3 वर्ष पूर्व 10 किलोग्राम से अधिक चरस के साथ पकड़े गए 2 तस्करों को विशेष सत्र न्यायाधीश ने 16 साल के कारावास और 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 2020 अक्टूबर माह में मुंशारी क्षेत्र में SOG और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस को देख भाग रहे 2 युवकों कुंदन सिंह निवासी ग्राम साना व महेश उर्फ मनोज निवासी साना पोस्ट ऑफिस रिंगू मुंशारी की तलाशी लेने पर दोनों तस्करों से लगभग 10 किलो 38 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुंशारी थाने में NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चली। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और ADGC प्रेम भंडारी द्वारा गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने अभियुक्तों को दोषी करार पाते हुए 16 वर्ष के कारावास और 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर 4-4 साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। करंट छोड़ रहे एक फर्राटा फैन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से परिजन सदमे में है। मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल जनपद के लालकुआं के बिंदुगत्ता निवासी माया देवी उम्र 55 वर्ष अपने घर के आंगन में रखे फर्राटा फैन को उठाकर अंदर रखने लगी तो अचानक फर्राटा के करंट की चपेट में आने से बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। इस दौरान माया को उठाने के प्रयास में उनके भतीजे को भी करंट का झटका लग गया। इसके उपरांत फर्राटा फैन का प्लग निकाला गया और फर्श पर गिरी माया देवी को शीघ्र निकट के अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।